Okay, madam. I am on page number 55, and today we are going to discuss the NCERT questions of chapter 3, human reproduction. Okay, student. Question number 1. Fill in the blanks. And question number 1. So see the first one. Human reproduce dash asexually or sexually? हाँ जी बेटा. Sexually. Yes. So take the correct one. Sexually पे टिक करेंगे. बी पर देखिए ह्यूमंस आर ओविपैरस विविपैरस और ओवोविविपैरस विविपैरस विविपैरस इन्होंने करेक्ट विविपैरस बिकॉज़ दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ओके सी पार्ट फर्टिलाइजेशन इज डैश इन ह्यूमंस एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरनल वेरी गुड इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज देयर And male and female gametes are dash diploid or haploid. 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 क्योंकि हमेशा gametes जो होते हैं वो हमेशा ही haploid होती हैं. Okay students, E part देखिए zygote is dash diploid or haploid. Diploid. Yes, but zygote हमेशा diploid होता है क्योंकि वो fusion of gametes से form होता है, so it is always diploid. So F part, the process of release of ovum from a mature follicle is dash. Ovulation. Yes, but ovulation is the process of release of ovum. Always remember. ठीक है? Ovulation is induced by a hormone called luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Which one? luteinizing hormone yes luteinizing hormone ठीक है सभी स्टूडेंट्स को पता है कि when the concentration of the luteinizing hormone it is more at day 14 ठीक है so then what happen the release of the ovum takes place yes it is correct luteinizing hormone H part the fusion of male and female gametes is called fertilization yes but it is fertilization now fertilization takes place in स्टूडेंट्स राइट फिलोपियन ट्यूब्स और एम्पुला दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज देर आर सर्टेन करेक्शंस डन इन द न्यू बुक बट बिकॉज आई हैव रेड इट इन PSC also, तो exact location जो है ना वो इस thymus ampullary junction है ठीक है बेटे अगर fallopian tube भी लिख रहे हैं बच्चे and ampulla भी लिख रहे हैं then it is also correct no problem is there zygote divides to form dash which is implanted in uterus blastocyst it is blastocyst ठीक है बेटे मैंने आपको बताया था कि blastula जो है blastocyst से पहले की stage है पर ब्लास्टुला के फॉर्म में वो इम्प्लांट नहीं होता जब उसमें ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाती है तब वो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म ले लेता है एंड दैट ब्लास्टोसिस्ट इट एम्बेडेड इटसेल्फ विद द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस सो यू हैव टू राइट हियर ब्लास्टोसिस्ट नाउ द के पार्ट द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड प्लासेंटा यस इट इज प्लासेंटा ठीक है बेटे प्लासेंटा यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है बेटे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमें डायग्राम बनाना है तो टू डायग्राम्स आर गिवन इन योर बुक ठीक है देयर आर टू डायग्राम्स दैट आर गिवन इन योर बुक सो यू हैव टू ड्रॉ दिस वन सी माय बुक अकॉर्डिंग टू माय बुक यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ठीक है बेटे ऊपर वाला डायग्राम जो है वो भी बना सकते हैं पर वो डायग्राम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए तो यहाँ पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स दिखाए गए हैं और लेबलिंग भी अच्छे से की है तो आपने ये वाला डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ठीक है उसके बाद देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको ड्रॉ करने के लिए बोले हुए हैं तो यू हैव टू ड्रॉ द दिस डायग्राम सेकेंड वन ठीक है दिस इज फिगर नंबर I think 3.3 जिसमें आपको ओवरीज ओविडा एंड देन वो सारे तीनों पार्ट्स नजर आ रहे हैं फंडिकुलम एम्पुला थाइमस ठीक है ये सारे आपको ड्रॉ करने हैं उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर है हम राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी हां जी
टेस्टिस के कोई भी टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताइए. एनीवन ऑफ यू कैन स्पीक इफ यू नो द आंसर. फॉर्मेशन. हाँ जी बेटे. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. यस वेरी गुड. ठीक है बेटे. एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है. ठीक है. स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है बेटे. तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें प्रेजेंट है? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है. और उसके अलावा जो है टेस्टिस जो है उसका अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ द मेल सेक्स हॉर्मोन. एंड मेल सेक्स हॉर्मोन जो है उसके सिक्रीशन को, ठीक है, कौन से मेल सेक्स हॉर्मोन्स का यहाँ पे सिक्रीशन होता है? तो हियर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस टेक्स प्लेस. तो कलेक्टिवली द मेल सेक्स हॉर्मोन्स दे आर नोन एज एंड्रोजेंस. एंड यू नो दैट चीफ अमंग दीज एंड्रोजेंस, ठीक है, इसमें से जो चीफ एंड्रोजन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है. तो ये तो हो जाएगा टेस्टिस का फंक्शन. ओके बेटे. सब्जी के साथ देखिए आपसे पूछा गया है अनदर फंक्शन ओवरीज. ओवरीज के टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या हो सकते हैं? यस स्टूडेंट्स. प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और केमिकल्स व्हिच रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन. यस बेटे वेरी गुड. ठीक है. ओवरी के जो फंक्शंस है उसमें यू हैव टू राइट फर्स्ट दैट ओवा इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, पर मंथ बाय ईच ओवरी. एक ओवरी जो है वो एक मंथ में ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इन एन अल्टरनेट फैशन. If one ovary produced ova this time, this means next ovary is going to produce the ova next time. All right. This is concerned with oogenesis. And second thing that it produced the female sex hormones, primary as well as secondary. Okay, secondary के अंदर हम progesterone लेंगे, पर क्योंकि मैं primary sex hormone बोल रही हूँ, तो here I am talking about the primary sex hormone which is the estrogen. तो estrogen hormone जो है वो ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है. ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस दिस हार्मोन. बट देयर इज वन स्ट्रक्चर फॉर्मड इन द ओवरी लेटर ऑन एंड दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम. एंड यू नो दैट दिस कॉर्पस लूटियम इट सिक्रीट वन हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज नोन एज अ प्रोजेस्टेरोन. दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन इट इज कंटिन्यूड इन द ओवरी फॉर सम टाइम. बट इफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नॉट देयर इन दैट कंडीशन the corpus luteum it degenerate and ceases the secretion of the progesterone hormone. ठीक है, this you have to write here. उसके बाद देखिए describe the structure of the seminiferous tubule. अगर word लिखा है describe, तो इसका मतलब हमने seminiferous tubule stem को explain करके उसके साथ आपने जो है उसका diagram भी देना है. Okay बेटे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि seminiferous tubules हैं क्या. हाँ जी. हाँ जी. कौन सा स्टूडेंट बताना चाहता है बेटे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर यू फाइंड दिस. एनी आइडिया? देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स इन ईच टेस्टिस नोन एज टेस्टिकुलर लोब्स. इन दीस टेस्टिकुलर लोब्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट व्हिच आर हाईली कॉइल्ड इन शेप. एंड ऑन द इनर साइड ऑफ दीस सर्टोली एंड मेल जर्म सेल्स आर प्रेजेंट. And yes, on the outer side, Leydig cells or interstitial cells are present, which produce androgens. In addition to these, immunological competent cells are also present in these tubules. Yes, but it is absolutely correct. ठीक है, आप simply लिखेंगे कि these seminiferous tubules they are actually the highly coiled structures, and 3 to 4 seminiferous tubules they are generally found in the testicular lobules, which are compartments. Approximately 250 or more compartments are there in the testis. Okay, and these seminiferous tubules, they are lined inside by two type of cells. One is spermatogonia, and these spermatogonia are actually the mother cells of these sperms. Okay, and इसके साथ ही seminiferous tubule में अंदर की तरफ there are another type of cells present known as Sertoli cells. Always remember, Sertoli cells they give nourishment to the developing sperms. And between the seminiferous tubule, some interstitial spaces are there, and here the interstitial cells or the Leydig cells are there, and they produce the androgens, which are the male sex hormones. Okay, this much you have to write, and later on you have to draw the diagram related with this. So see the diagram; it is given on 2 pages. Okay, either you can draw this diagram, that is on page number 44. This diagram. This is also the enlarged view.
इसमें सारा कुछ हमें नजर आ रहा है, स्पर्मेटोगोनिया नजर आ रही है, लेडी सेल्स, सर्पोरी सेल्स ऑल आर देयर. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग दिस डायग्राम, then instead of this you can also draw the diagram that is given on page number 47. This diagram it is. ठीक है, it is figure number 3.5. तो उसमें आपको बड़े आसानी से सारा दिखाया हुआ है. सामने फ्रेस्ट व्यू का एक लार्ज व्यू है ये. तो अगर आप माइक्रोस्कोप में भी स्टडी करते हैं then you will see this diagram. तो स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अप टू स्पर्मेटोजोआ आर देयर. बट हियर द इंटरस्टीशियल सेल्स और वो सारा नहीं है. तो दोनों में से कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं आप. तो प्रैक्टिकल में हम जनरली ये वाला डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमें इंटरस्टीशियल सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया ये सब नजर आ रहा है. ओके, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन. यस स्टूडेंट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर है हम. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? ठीक है, इट इज अ लेंथी क्वेश्चन एंड हियर इट इज हियर रिटन ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यू हैव टू राइट दैट इट इज अ काइंड ऑफ ए गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स. ठीक है, इन द टेस्टिस और यू कैन से इन द फैमिनिफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस. So here the spermatozoa are formed, which are actually the male gametes. Okay, but here, साथ ही उसने लिखा है describe the process of spermatogenesis. So here you have to explain the whole process, and you have to start from this line. कि inside the testis, within the seminiferous tubule, what is present? That you know that male germ cells are present, and their name is spermatogonia. ओके, तो इनिशियली उसने आपको बताया था कि दीस स्पर्मेटोगोनिया दे इंक्रीजेस देयर नंबर बाय अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, तो उसके साथ ही देखिए आपको सारा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है पेज नंबर 47 पे. यू हैव टू ओपन दिस पेज, ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी मच क्लियर. कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. They multiply by mitotic cell division, increase their number. Not all the spermatogonia undergoes this meiosis. ठीक है बेटे, सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं वो itself तो deployed हैं, पर सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं वो कहता है कि मदर सेल की तरह बिहेव नहीं करेंगे. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स दे अंडरगोस मेयोसिस एंड दे बिहेव एज अ मदर सेल्स एंड दे आर नोन एज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. You have to write this. And what you see after first meiotic division, you know that first meiotic division is the proper meiosis. So this means after first meiotic division, what you find two equal haploid cells. And these two equal haploid cells, they are known as the secondary spermatocyte. तो एक चीज याद रखिएगा कि हमें secondary spermatocyte कितने मिले हैं बेटे, हमें दो मिले हैं. और उसके बाद ये दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फिर कौन सी डिवीजन में जाएंगे, मियोसिस टू में जाएंगे. बट यू नो दैट मियोसिस टू इज एक्चुअली माइटोसिस इन नेचर. सो एज अ रिजल्ट हाउ मेनी लेटर ऑन स्पर्मेटेट्स आर फॉर्म. तो हियर वी आल्सो ऑब्टेन फोर हैप्लॉइड इक्वल स्पर्मेटेट्स. ओके स्टूडेंट, आई मैं इसको स्पर्मेटेड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी ये स्पर्मेटेट्स जो है वो बाद में इसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में, और जिस प्रोसेस से होते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. सो फोर स्पर्मेटेट्स दे आर फॉर्म, लेटर दे ट्रांसफॉर्म इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस. देन यू आल्सो हैव टू गिव द अनदर प्रोसेस दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, ये क्या करते हैं ये जो स्पर्मेटोजोआ है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मोर नरिशमेंट. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट ऑब्टेन करने के लिए दे इवैक्यूएट देयर स्पर्म हेड्स इनटू द सर्टोली सेल्स एंड आफ्टर रिसीविंग दिस न्यूट्रिशन दे बिकम द फुली मैच्योर स्पर्म्स एंड नाउ दे आर नोन एज द स्पर्मेटोजोआ एंड द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन. ठीक है, यहाँ तक आपने एक्सप्लेन करना है. अब देखो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और बड़ा करना होता, हमने एग्जाम में 5 मार्क क्वेश्चन डालना होता, तो हम साथ में लिख सकते थे कि यू हैव ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस. तो हॉर्मोन्स का जब रोल आ जाता है तो यू हैव टू राइट अबाउट गोनाडोट्रॉपिन्स, दैट गोनाडोट्रॉपिन्स दे आर रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, देन इट स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, लुटिनाइजिंग हॉर्मोन इज देयर, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन इज देयर. व्हाट आर देयर फंक्शन यू हैव टू मेंशन हियर.
ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो है वो फाइवा क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं वो आपने याद रखना है. उसके बाद देखिए नीचे उसने उसका सेकंड पार्ट में वही चीज ले ली है, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें गोनाडोट्रॉपिन्स जो है वो रिलीज होते हैं. तो पेज नंबर 47 पे द सेकंड पैराग्राफ दैट इज नेक्स्ट टू दिस स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखिए. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें गोनाडोट्रॉपिन्स रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी टू गोनाडोट्रॉपिन्स रिलीज करते हैं, वन इज लुटिनाइजिंग एंड अदर इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके बेटे, दोनों के फंक्शन हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं. तो लुटिनाइजिंग हार्मोन इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स, इट स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स फॉर द सिंथेसिस एंड द सेक्रेशन ऑफ द एंड्रोजेंस. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन, इसके साथ साथ वो कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ना उसमें भी लुटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है. और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है कौन से प्रोसेस को, तो उसके बाद ये स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. ओके, तो बोथ ऑफ दीज फंक्शंस यू हैव टू राइट. तो अगर दोनों क्वेश्चंस को मैं कंबाइंड कर दूं तो ये फाइवा क्वेश्चन बन जाएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू डिफाइन टू प्रोसेसेस, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन. हाँ जी बेटे, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? यस, nobody want to give the answer. When the process involving transformation of spermatids into mature spermatozoa is called spermiogenesis. It is very much true. Okay bete, so transformation of the spermatids, you know that after a second meiotic division four spermatids are there, they are equal haploid in nature, so all of these four spermatids they later have to be transformed into the spermatozoa or the mature sperm. The process is called spermiogenesis. And what is spermiation? So after the spermiogenesis, what these spermatozoa do, they embedded their cells deep into the Sertoli cells for the purpose of obtaining nourishment. So this process, it is known as spermiation. And after this, they released from the seminiferous tubules as well. ठीक है, इसके बाद वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से रिलीज भी हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं. यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट लिखना है. ओके स्टूडेंट, सी ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द स्पर्म. हमें सिर्फ डायग्राम पूछा गया है, अगर इसके साथ हम एक्सप्लेन भी कर दें तो फिर यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, दिस डायग्राम ऑफ स्पर्म यू हैव टू ड्रॉ हियर. एंड इफ the word explain is also written, then explain the structure of this sperm, then you have to write in brief about the structure of this sperm. You tell ki sperm jo hai uske andar kitne components hai. Theek hai bete, to head region is there, then middle piece is there, and then tail region is here. And you must have to mention that the cap like structure it is present in the head region, that is known as acrosome. And this acrosome, it contains hydrolytic enzymes which later penetrate the callosuda layer which surrounds the ovum. This much you have to write. And regarding the middle piece, ठीक है, इसके अलावा head में nucleus and cytoplasm तो रहेगा ही, middle piece में क्या present है? So here the spiral mitochondria are there, and these mitochondria are the source of energy for the vicarious movement of this sperm. So tail जो है उसका function आपको पता है, वो motility provide करती है, उसकी वजह से female genital tract में the sperms they can easily move. ठीक है, this much you have to write here. शॉर्ट में लिखेंगे, हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो आपने दोनों चीजें अच्छे से करनी है. आई एम ऑन क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है बेटे, सेमिनल प्लाज्मा जिसको कि हम सीमन भी कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है सेमिनल प्लाज्मा? यस स्टूडेंट, it is mainly composed of calcium, fructose and other enzymes. Yes बेटे, other enzymes में mostly hydrolytic enzymes होते हैं. ठीक है, तो उसमें आपने लिख देना fructose sugar is there which is a source of energy. ठीक है, calcium ions are there and along with this some other enzymes are also there. तो chiefly among these enzymes are the hydrolytic enzymes.
If you also know the name of the other enzyme, I will send you so many enzymes they are present in the semen. And these enzymes, they are actually present in this seminal plasma because as soon as the sperm it enters into the female genital tract, then the sperm found an acidic kind of environment there. And this is a risk factor for the survival of the sperm in the female genital tract. ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि स्पर्म जो है वो अपनी मोर्टैलिटी अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ा सके, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट होती है, इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है. ओके बेटे, उसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन में है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स. ठीक है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मेल एक्सेसरी डक्ट एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स. So I have already told you that ducts are involved in the transportation of the sperm. So here in case of male, the male accessory ducts, they start from the reed testis, that is the opening of the testis, and the opening of the testis through the reed testis, it takes place into a broader tube-like structure and that is known as, ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वास डिफरेंस आ जाती है, वासा ऑफ फ्रेंशिया आ जाती है, एफडी डायमस आ जाती है. तो ये सारे जो हैं वो मेल के एसेसरी डक्ट है और उनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पर्म्स को लेकर जाने का है. ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स. सो ग्लैंड्स दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द सेक्रेशंस, दे आर प्रोड्यूसिंग देयर जूसेस व्हिच आर for the purpose of nourishment of the sperm. So here we have three male accessory glands. So one pair of prostate glands are there. Okay, बेटे, one pair of prostate gland के साथ ही हमारे पास one pair of seminal vesicles है और इसके साथ one pair bulbo urethral gland है. तो उसमें आपने बताना है कि seminal vesicle और prostate glands जो है उनका जो chemical secretion है वो later on सीमन जो है उसको फॉर्म करता है जब उसमें स्पर्म्स भी एंटर कर जाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज सेक्रेशंस ऑफ द मेल एक्सेसरी यू कैन से ग्लैंड्स दे आर रिसीव्ड. ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या होती है, वासा डिफरेंशिया होती है. तो वासा डिफरेंशिया जो है वो वहां पे ये सारे के सारे स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड लेटर ऑन दे जॉइंट्स द यूरेटर्स. यू नो दैट द यूरेटर्स दे ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड हियर आल्सो these ureters they carry urine along with this. So this semen is also get mixed with this urine and in this way there is a common passage for the you can say excretion of the sperms as well as the urine in case of a male, that you have to write here. Okay, but the next question dekho, long question hai. What is oogenesis and give a brief account of the oogenesis. So whenever such type of question is asked in the examination, so in that case you must have to give the flow chart along with that. It is a very easy method that you first draw the flow chart and on the basis of that flow chart you have to write your description. Agar aapko flow chart aata hai na, bade aaram se uska description likh lenge. Theek hai, to ek cheez yaad rakhiyega ki aapne ye kabhi bhi nahi likhna ki oogenesis ka process puberty ki stage pe start hota hai. Maine aapko pehle hi bata diya tha spermatogenesis it starts at the stage of puberty, whereas the process of oogenesis it starts or initiates at the embryonic stage. Okay, when the fetus is there inside the body of the mother, then only the process of oogenesis starts and millions of oogonia cells are there in the fetal ovary, though they are in immature form. ठीक है, तो उसमें आपको बताया गया था कि ये जो ओगोनिया सेल्स होते हैं जो कि फीमेल गैमेट्स के मदर सेल होते हैं, तो ये फीमेल गैमेट के जो मदर सेल्स हैं ये बाद में आपको बताया था इनका कंटिन्यूअसली डीजनरेशन होता रहता है और पुबर्टी के स्टेज तक पहुंचने पर, ठीक है, काफी कम रह जाते हैं, 60,000 to 80,000 के आसपास रह जाते हैं. और सम ऑफ द ओगोनिया सेल्स विच एंटर्स इनटू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपने याद रखते हैं कि हेयर द प्राइमरी ओसाइट व्हेन दे एंटर इनटू मियोसिस वन स्टेज देन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मियोसिस वन आफ्टर इंटरफेस दैट इज द प्रोफेस वन हेयर दे गेट अरेस्टेड फॉर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, प्रोफेस वन में काफी समय तक ये पड़े रहती है और ये प्राइमरी ओसाइट अलग अलग स्टेजेस में चेंज होते रहते हैं. तो दिस प्राइमरी ओसाइट एज सून एज दे प्रोड्यूस वन सिंगल लेयर अराउंड 10 सेल्स दे फॉर्म द प्राइमरी फॉलिकल्स एंड दिस लेयर ऑफ सेल इज एक्चुअली ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल.
Then the primary follicles they convert into secondary follicles. So many granulosa cells layers are there along with the theca layer, and then they transform into tertiary follicle having a fluid filled cavity and a trunk. Okay, बेटे और इसी के साथ साथ जो है उसमें काफी सारे layers होती हैं granulosa cells की, and later on the tertiary follicle से transform into the graafian follicle and then ovum is released. ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. तो आपने यहाँ तक लिखने के बाद से ये लिखना है कि when they transformed into the graafian follicle, the first meiotic division is approximately complete, and these primary oocytes they are actually present inside these follicles. Now they have completed their first meiotic division, and then what is formed? So you have to write that the secondary oocyte is formed along with the smaller, tiny cell-like structure. And which is known as the first polar body. Okay, बेटे आपको कहता है कि ये जो first meiotic division के बाद secondary oocyte और first polar body बनी है, उसमें से first polar body जो है वो तो थोड़े time रहेगी and फिर degenerate बन जाएगी. Some of the scientists believe that this degenerating polar body provides nourishment to the developing ovum. ठीक, और कुछ ये कहते हैं कि वो कुछ और functions भी perform करती है, but their functions are not clear. फिर आपने ये बोलना है कि जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें से फर्स्ट पोलर बॉडी को डीजनरेट करेगी. आप सेकेंडरी ओसाइट नाउ इट एंटर्स इनटू द सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड इट इज अ यू कैन से माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन. सो एज अ रिजल्ट व्हाट इज फॉर्म, तो दिस सेकेंडरी ओसाइट इट लेटर हैज टू कन्वर्ट इनटू ओवम एंड अलोंग विद दैट अ टाइनी सेल इज फॉर्म्ड एंड दैट इज द सेकंड पोलर बॉडी. ठीक है, सिमिलर टू द फर्स्ट पोलर बॉडी द सेकंड पोलर बॉडी इट आल्सो डीजनरेट एंड व्हाट यू ऑब्टेन ओनली यू ऑब्टेन ओवम एंड दिस ओवम इट लेटर रिलीज्ड फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तब ये सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है और यहाँ से ये ओवम जो है वो फिर किसकी तरफ जाता है, फिलोपियन ट्यूब्स की तरफ जाता है. तो यहाँ तक आपने इसके अंदर लिखना है. ठीक है बेटे, बाकी कॉर्पस लूटियम ये सब लिखने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये काफी बड़ा आंसर हो जाएगा. उसके बाद देखिए ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ए सेक्शन थ्रू ओवरी. ये डायग्राम सभी बच्चे जरूर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल में भी हमें जब ओवरी की स्लाइड आनी है देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, तो व्हेनेवर यू ड्रॉ दिस डायग्राम यू मस्ट हैव टू शो द पोजीशन ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर आपने ग्राफियन फॉलिकल शो करना है और उस ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज होते हुए दिखाना है. ठीक है, तो ये सारा आपने उसके अंदर ड्रॉ करना है. कॉर्पस लूटियम एंड ग्राफियन फॉलिकल जो है उसको भी आप लेबल करेंगे. तो यहाँ पे देखिए आपका डायग्राम जो है बुक के अंदर दिया हुआ है, उसमें ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस लूटियम भी बनाया हुआ है. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है बेटे, ऑल द फॉलिकल्स आर हियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, देन कॉर्पस लूटियम भी दिखाया गया है. तो वो सारा कुछ आप इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, ये हमें बार बार पूछा जाएगा. Okay, बेटे. Now I am on the next question, and next question is draw label diagram of the graafian follicle. So here in the TS of ovary, it is given graafian follicle. But if you have to draw the diagram of graafian follicle only, then you must remember कि graafian follicle है क्या? Graafian follicle is a mature tertiary follicle, and you know the structure of the tertiary follicle. You know that there are so many granulosa cells are there. So you have to draw this diagram at your own. आपने कई सारी लेयर्स बना लेनी है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और उसके बाद सेंटर में आपने क्या बना लेनी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना लेनी है, एनाड्रम, और एनाड्रम जो है उसी के साथ में आपने एक तरफ ओवम बना लेना है. ठीक है बेटे, सेंटर में ही होता है ओवम, एक साइड में पड़ा हुआ होता है. और फिर आप दिखाएंगे कि जो ओवम है जब ग्राफियन फॉलिकल बस्ट करेंगे तब ओवम रिलीज होगा. तो ये वाला डायग्राम आप इसके अंदर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो अपने इमेजिनेशन से ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तब भी आपको ग्राफियन फॉलिकल का अच्छा डायग्राम मिल जाना है. यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, सी द 15th क्वेश्चन. नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. नंबर वन, कॉर्पस लूटियम. ठीक है, फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज कॉर्पस लूटियम. सो कॉर्पस लूटियम इज अ येलो कलर टिश्यू दैट इज फॉर्मड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द बर्स्ट ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक है, तो व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट देन द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स, ओके, फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी बर्स्ट हो जाती है. ये सारी चीजें जो है वो मिलकर किसको बनाती है, कॉर्पस लूटियम को बनाती है. और फंक्शन क्या है कॉर्पस लूटियम का, सिर्फ एक और एक ही फंक्शन है, एंड दैट इज द सेक्रीशन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स हार्मोन एंड दैट इज नोन एज अ प्रोजेस्टेरोन. सो प्रोजेस्टेरोन जो है वो चाइल्ड बर्थ की स्टेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है.
Okay, but B part endometrium. What is endometrium? The endometrium is the innermost layer of the uterus, and it is glandular in nature. You must have to write it is glandular in nature. It is involved in different type of cyclic changes that happens during the menstrual phase. ठीक है, तो उसमें आपने ये लिखना है कि उसका मेन फंक्शन यही है कि एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो जो भी चेंजेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसमें इन्वॉल्व होती है. एक्रोसोम के बारे में क्या लिखेंगे? द कैपिलरी स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द हेड ऑफ द स्पर्म, इट इज नोन एज एक्रोसोम. एंड दिस एक्रोसोम इट कंटेन्स द मेनी एंजाइम्स व्हिच आर हाइड्रोलिटिक इन नेचर एंड इट इज इन्वॉल्व इन द पेनिट्रेशन ऑफ द जोना कैलोसुटा लेयर व्हिच सराउंड्स द ओवम. ओके बेटे, स्पर्म टेल का अगर फंक्शन पूछा जाता है तो आपने लिखना है कि स्पर्म टेल जो है वो वाइकोरियस मोर्टैलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म की, एंड इसकी हेल्प से जो स्पर्म है वो इजी मूवमेंट कर पाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, और उसका मूवमेंट फास्ट होता है. ठीक है, फिम्ब्राइड याद करिए, फिम्ब्राइड वर्ड हमने कहाँ पे सुना था? तो अगर आपको याद है, आपको ओविडक्ट का स्ट्रक्चर याद है, तो यू नो दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इट इज नोन एज what infundibulum, and this infundibulum it is provided by finger like structures and they are known as a fimbriae. So the function of the fimbriae is to collect ovum from the ovary. theek hai bete, to ye panchon hamare ho gaye hain. uske baad chote chote se troposts liye hue hain, sabhi students ko aate hain. androgens are produced by Sertoli cells. this is true or false? false. इट इज फॉल्स, क्योंकि एंड्रोजेंस जो है वो लेटेक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, सर्टोली सेल्स नहीं. ठीक है, स्पर्मेटोजोआ गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम सर्टोली सेल्स. ट्रू. इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. लेटेक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी. लेटेक सेल्स ओवरी में होते हैं. फॉल्स. फॉल्स. फॉल्स है, क्योंकि लेटेक सेल्स जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होते हैं, सेमिफेरस ट्यूब्यूल की. देन द डी पार्ट, लेटेक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजेंस. ट्रू. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सिर्फ जो है प्रेगनेंसी के एब्सेंस में ही होता है. Presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. हाँ जी, this is true or false? True. It is true. तो hymen layer जो होती है आपको बताया था, ठीक है, vagina जो है उसको cover करके रखती है if some person undergo sexual intercourse. ठीक है, in that cases there may be the breakage of this hymen layer. Sometimes some women they are involved in horse riding or doing some weightlifting kind of sports. So in that case, the hymen sheath, it can break sometimes, but it is not a suitable indicative for the virginity or having a sexual experience. Okay, but question number 17, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है. Menstrual cycle क्या होता है? तो आपने बताना है कि it is a kind of a reproductive cycle that occurs in primates. तो उसमें humans भी आ जाते हैं और other primates भी आ जाती हैं. कौन से hormones जो है menstrual cycle को यहाँ पे control करते हैं? ठीक है बेटे, तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि एक्सप्लेन द वेरियस फेसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एंड आल्सो टेल विद स्पेशल रेफरेंस टू हार्मोन्स आल्सो. देन यू हैव टू मेंशन द फोर फेसेस. चारों फेसेस आप मेंशन करेंगे. मेंस्ट्रुअल फेस है, देन हमारे पास फॉलिकुलर फेस है, देन ओव्यूलेटरी फेस है, देन ल्यूटल फेस है. तो हार्मोन्स का रोल साइड बाय साइड आ जाता है. एक चीज आपने याद रखनी है कि गोनाडोट्रोपिन्स को जब हम मेंशन करते हैं ना लुटिनाइजिंग हार्मोन्स का, तो आपने ये भी लिखना है कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं वो लुटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कब उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है वो भी आपने बताना है कि डे 14 में हमें एलएच रिसर्च दिखाई देता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे. फिर कॉर्पस लुटियम के बारे में जब आप बताते हो तो यू मस्ट हैव टू राइट कि वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है. प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, पर इफ दैट इट इज नॉट रिसीविंग द फर्टिलाइज्ड ओवा, इन दैट केस व्हाट हैपन, द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम टेक्स प्लेस एंड द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इट आल्सो टेक्स. ठीक बेटे, तो यहाँ तक आज कर लेते हैं. बस अब तीन चार क्वेश्चन रह गए हैं, वो थोड़े समझाने वाले हैं, तो इसलिए अभी मैं यहीं तक स्टॉप कर रही हूँ उसको. ठीक बेटे,
यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? यस चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम? आई विल सेंड यू द वर्कशीट, यू हैव टू डू द वर्कशीट्स. ठीक है, डू मीन्स यू नीड नॉट टू राइट इट इन योर फेयर कॉपी, बट यू गो थ्रू दैट रिवाइज.